अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ अपना नॉर्मल डे के बस रूटीन में क्या होता है। वैसे तो कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है हर दिन में, मतलब स्पेशल कोई काम होता है, कोई घर का पर्सनल काम होता है जो कि आपको पता होता है कि अच्छा फलां दिन में मैंने ये करना है या कल मेरी ये एक्टिविटी जो है वो इम्पॉर्टेंट होनी है। बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि आज हम लोग जो भी मीट जो किया था, पैक्स बनाए थे उसके, तो आज डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे थोड़ा सा। उससे पहले जो है बिल्कुल आम सी रूटीन है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ शामी का बर्गर सुबह नाश्ते में अपने हस्बैंड के लिए। और ये देख रहे हैं आपके मैंने बस मेयोनीज ऐड करके, मतलब स्प्रेड करके, और शामी का कबाब रखा है उसको फिर फैला दिया है मैश सा करके। और बस सिंपल सा ये बन गया है। इसमें अंडा दूसरा वाला नहीं डाला क्योंकि बॉयल एग खाते हैं मेरे हस्बैंड, तो फिर मैंने इस तरह से करके, और नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया। तो ये है जी चाय, और ये स्पेशल कप मैंने अमेजोन से मंगवाया था अपने हस्बैंड की बर्थडे में। उनका नाम भी लिखा हुआ है और उनका स्टार भी लिखा हुआ है, तो बहुत ही ज़बरदस्त मग है ये, क्योंकि इसमें चाय अमूमन जो है आप जितनी भी गर्म करें, आप शाम तक क्यों ना गर्म रहे, इतनी गर्म रहती है। तो अगर फ़ौरन पीनी हो तो बल्कि मुझे ठंडी करके डालनी पड़ती है। तो अब मेरी बारी है, सब चले गए हैं अपने कामों को, लाइक मेरे हस्बैंड चले गए हैं और बच्चे जो हैं अभी तक सो रहे हैं, और मैं अब आके यहाँ पे बैठी हूँ अपना नाश्ता करने। अपना तो मेरा सादा सा ही होता है बिल्कुल, तो उसी तरह ही बस मैंने शामी का बना के और कर लिया है। और मज़े की बात है, अपना जो मैंने अंडा, मैंने सोचा था कि मैं नमक मिर्च डालकर उसको इस तरह से बनाकर और फिर कबाब के ऊपर रख के वो वाला पूरा अंडे वाला बर्गर जो होता है शामी का वो बना के खाऊंगी, बट मुझे याद ही नहीं रहा, वो बेचारा साइड पे ही पड़ा रहा, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वो बना के खाना है। तो मैं जो है सादा सा ही खा रही हूँ। तो ये है जी आज का वेदर, थोड़ी गर्मी भी हुई हुई है, और चाय है और मेरा बर्गर है, और साथ में कोई ड्रामा वगैरह लगा लूँगी कुछ इसी तरह से। आजकल वो ड्रामा चल रहा है उदार मोहब्बत, काफ़ी लंबा ही हो गया, अभी तक उनका दीदार ही नहीं हो रहा एक दूसरों का, तो काफ़ी इंतज़ार है उसका भी मुझे। तो खैर, ये एक आधा ड्रामा साथ में चलता रहता है डेली, मतलब इसी तरह टाइम मिले तो देख लिया, नहीं तो फिर एक दो किस्तें जो हैं वो साथ के साथ देख लें। लेकिन खुदार मोहब्बत जो है वो हम लोग वीकली ही देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से देखते हैं, तो हम लोग फिर वो साथ में ही देखते हैं खुदार मोहब्बत, एक डंग, और रक्से बिस्मिल भी देख रहे थे, वो तो हो गया ख़त्म। तो अच्छा जी, बच्चों की आज फरमाइश थी कि हमने फ्राइज खाने हैं और साथ में अंडा और फ्रूट्स, मतलब काफ़ी ऑप्शन दी थी कि आपने क्या क्या खाना है, दो तीन ऑप्शन दी, तो इन्होंने फिर ये चूज़ किया। तो मैंने कहा चले कि आज अपनी मर्जी का ही नाश्ता करें, और जो इनका मैंने बना के रखा था शामी बन, वो अब ये फिर दोपहर में खा लेंगे। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं नाश्ता, और ये है हमारी सिंपल सी रूटीन। बस टाइम हो गया है 11, साथ में मेरा चल रहा है ड्रामा, दिखाया तो कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगी। बस चल रहा है कुछ, जियो पे एक ड्रामा देख रही हूँ। के बाद अब हमने थोड़ा सा जो डिस्ट्रीब्यूट करना था फैमिली मेम्बर्स के घर पे जाके, बाहर बाहर से ही सबको बस गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त था, जितनी जल्दी हो सकता हम लोगों ने कहा चलें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक दिन लगाया जाके सबको दे दिया। और अभी मैं गई थी पिनोल साइड पर, यहाँ पर आप देखें किस तरह से ये रोड है, बड़ा थोड़ा स्केरी सा भी है अगर रात के टाइम आए यहाँ पर। तो अभी आई थिंक मैंने एक दो घरों में दे दिया था यहाँ पे, और अब मैं जा रही हूँ दूसरी साइड पे। तो इसी तरह जो है एक एक करके जो है सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे, ये काम भी डन हो जाएगा आज के लिए। Let's do.